आज मैं जा रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश की एक खूबसूरत शहर पासीघाट। ये मेरा पहला विजिट है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये एक फैमिली रोड ट्रिप है जो सिर्फ डे ट्रिप ही है। हम शुरू कर रहे हैं ये ट्रिप डिब्रूगढ़ से, जिसमें हम ट्रेवल करेंगे डिब्रूगढ़ से पासीघाट 149 किलोमीटर, जिसमें टाइम लगने वाला है 3 आवर्स। सो लेट्स बिगिन द शो। डिब्रूगढ़ से हमने जर्नी शुरू किया था सुबह के तकरीबन 7:45 AM में, और इस सफ़र में हम 2 गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं, जिसमें एक गाड़ी में बुज़ुर्ग यानी घर के बड़े, और एक गाड़ी जिसमें हम हैं उसमें सारे यंग पीपल्स। ये हम पहुंच गए हैं कहां पर? मोगी बीच। जर्नी शुरू होने के बाद 26 किलोमीटर के बाद हमारा पहला स्टॉप था बोगीबिल ब्रिज। हम पहुंच चुके हैं कहां? हम लोग बोगीबिल में पहुंच चुके हैं गाइस। कहां? की फोटो कपल कपल दादा जी जो ना पे तुलिबो जी जो खोलो पादन का धरे लो ता पादन का सुना धरबो ना के तुम जानो सी तक। ये लगा दिया गियर और ये चला गाड़ी। जहाँ कुछ देर बिताने और सबके फोटो सेशंस के बाद हमने जर्नी कंटिन्यू किया। तो हम फाइनली धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है द डेस्टिनेशन। चलो चलो अपना इंट्रोडक्शन दो। चलो नाम बताओ। मेरा नाम है ताजिन जैसन। मैं होली चल आप सब होली चल स्कूल मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। चलो तुम्हारा नाम बताओ। मैं तुम्हारी वाइफ। सो नेक्स्ट अप इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। इस रोड ट्रिप का अगला स्टॉप हमने लिया सीमेंट चापोरी पे, जहां हमने रोड साइड कार पार्क किया और थोड़ा सा नाश्ता पानी किया और फिर चलो खाना पीना हो गया बैक ऑन द रोड, और अब सीधा अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए निकले। एक रोड ट्रिप का सबसे अच्छा हिस्सा है प्रकृति की सुंदरता को अपने आंखों से देखना, घूमते हुए पहाड़ों से लेकर घूमते हुए नदियों तक। हर मोड़ नया पोस्टकार्ड जैसा दृश्य प्रस्तुत करता है और अपनों के साथ हर पल और भी खास बन जाता है। देखते देखते हम पहुंचे असम अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पे, जहां पर एक गड़बड़ हो गई जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ऑफिशियली हम लोग अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कर चुके हैं। थोड़ा आगे जाके हमको बनाना है इनर लाइन परमिट। जैसे कि आपको मालूम है अरुणाचल में एंट्री के लिए आपको बनाना पड़ता है इनर लाइन परमिट। सो वेलकम टू अरुणाचल प्रदेश सियांग डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से 35 किलोमीटर पासीघाट। घंटों के सफर और बेइंतहा मुस्कुराहटों के बाद हम आखिर में अपने मंजिल पर पहुंच गए हैं, जो है पासीघाट। तो भाई यहाँ पे तो पोपट हो गया अपना। यहाँ तो कहीं भी इनर लाइन परमिट के लिए गेट मिला ही नहीं। हम पासीघाट सिटी के अंदर आ चुके हैं अभी और तो कोई गेट नजर ही नहीं आया। तो बिना इनर लाइन परमिट के हम घूम रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। इनर लाइन वाला परमिट तो समझ में आया नहीं, तो अभी क्या होता है मालूम नहीं। अगर कहीं चेकिंग वेकिंग होता है तो फिर तो लगेगा हमारा अच्छे से। अगर नहीं पकड़ा तो बिना इनर लाइन परमिट के अरुणाचल घूम लेंगे। तो मैं रिकमेंड तो नहीं करता। अगर आप आओ तो ये इनर लाइन परमिट बना के ही आना। तो हमसे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या पता नहीं क्या,
अब से बना नहीं, लेकिन छोड़ो अभी अभी आ गए तो अभी क्या कर सकते हैं। तो अभी जिसके लिए आए हैं उसी को एंजॉय करते हैं। तो उसी गेट जहाँ रक्सिन वाला गेट था शायद वहीं पे हमको इनर लाइन परमिट लेना था। और हम लोग ये हम लोग अभी पहुंच गए पासीघाट ब्रिज, काफी फेमस ब्रिज है यहाँ का। और ये शायद सियांग रिवर है मेरी। हाँ सियांग रिवर ही है, क्या खूबसूरत रिवर है यार। अभी हम लोग शायद नीचे जाएंगे, शायद ये हमारा पहला स्टॉप है ना, ये हमारा पहला स्टॉप है। दीदी पिकनिक स्पॉट कहाँ पर है? ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ओ ठीक है ठीक है, थैंक यू भैया। बोला ये आगोर को क्या नहीं आगोर सबको अभी लेना है ऑरेंज, तो अभी निकलते हैं और थोड़ा सा ऑरेंज ले लेते हैं, चलते हैं फोटो। अरे की पीसेस आवे नहीं की कितना आएगा? ज़्यादा काफी एक्सपेंसिव है। कमला दाम পলিথিন ললে 100 টাকা আর এই টুকুরিত ললে 200 টাকা লয় স্যার আবার ললে না। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में हम पासीघाट के कुछ खूबसूरत स्पॉट्स को एक्सप्लोर करेंगे। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं अगले पासीघाट के एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ।